हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव आशीष यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और नई पबजी मोबाइल की वीडियो लेके। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने पबजी अकाउंट से अपने गूगल अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं। अब जैसा कि आपको पता होगा कि आपने दो अकाउंट को यहाँ पे एक साथ अपने एक पबजी अकाउंट में लिंक कर सकते हैं। जैसे कि मेरे आप देख लीजिए, मेरा फेसबुक भी लिंक है और मेरा यहाँ पर जो है गूगल अकाउंट भी लिंक है। उसके साथ साथ जो नया अपडेट आया था तो मैंने यहाँ पर जो अपना ईमेल भी लिंक कर दिया है। तो अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे आप दो चीज़ें यहाँ पे निकाल सकता हूँ। मतलब अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे फेसबुक और गूगल दोनों हटा सकता हूँ, फिर भी मैं अपने ईमेल की मदद से यहाँ पे जो है पबजी में लॉगिन कर पाऊँगा आराम से। तो बहुत लोग सोचते हैं कि भाई मैं एक ही अकाउंट रखूँगा, या तो मैं फेसबुक से लॉगिन करूँगा, या तो मैं ट्विटर से, या तो गूगल से। तो अगर आप भी अपने गूगल अकाउंट को यहाँ पे रिमूव करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में आपको सिंपल सा तरीका बताऊँगा जिसको यूज़ करके आप अपने गूगल अकाउंट को पबजी अकाउंट से आराम से अनलिंक कर पाएंगे। और आपको यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे कहीं भी अनलिंक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, फिर भी आप बहुत ही आसानी से सिर्फ एक क्लिक में अपने गूगल अकाउंट को पबजी मोबाइल से रिमूव कर देंगे। और यहाँ मैं सिर्फ गूगल अकाउंट के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपको फेसबुक रिमूव करना है, फेसबुक का अकाउंट या तो ट्विटर का अकाउंट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसके लिए भी आपको वीडियो बना के दे दूँगा। आप बहुत ही आसानी से सिर्फ एक क्लिक में अपने अकाउंट को यहाँ पे पबजी मोबाइल से रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो भाई लोग, अगर आप सेटिंग में जाके अगर रिमूव करना चाहें, अनलिंक करना चाहें अपने अकाउंट को, तो आपको यहाँ पे फिलहाल के लिए अभी तक तो यहाँ पे अनलिंक का ऑप्शन नहीं दे रहा है, कहीं भी शो नहीं हो रहा है। तो अब आपको अनलिंक करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में चले आना है। तो जैसा कि हम यहाँ पे चलते हैं, सीधा अपने सेटिंग को आपको ओपन कर लेना है। अब जैसे सेटिंग ओपन करेंगे तो आपको फिलहाल इस तरह से इंटरफेस मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा अलग इंटरफेस मिल सकता है देखने के लिए। मेरा इसमें जो है रेडमी का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा में ये इंटरफेस दिख रहा है। तो आपको करना है, आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर आपका गूगल अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस पर आपको जो है क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी गूगल अकाउंट यहाँ रहेगा ईमेल, तो वो आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरा जो मेरा पबजी का अकाउंट है, वो जो मैंने उसमें गूगल अकाउंट ऐड किया था, वो गूगल अकाउंट मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको कैसे कैसे करना है। तो आप यहाँ पे जो है गूगल वाले पे आ जाएंगे, तो आप स्क्रॉल करके हल्का सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे जो है अकाउंट सर्विस कर एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस पर आपको जो है सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और इसके बाद आपको सिंपल सा ऑप्शन सबसे ऊपर मिल जाएगा कनेक्टेड ऐप्स का। तो इस पर आपको जो है क्लिक कर लेना। आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। तो इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखेगा, और आपको यहाँ पे जो है जितने भी कनेक्टेड ऐप्स रहेंगे आपके ईमेल आईडी से, वो सारे के सारे एप्लीकेशन यहाँ पे शो हो जाएंगे और आपका जो है पबजी भी शो हो जाएगा। अब फिलहाल मेरे इस ईमेल आईडी से मेरा पबजी अकाउंट नहीं कनेक्ट है, तो इसके लिए यहाँ पे जो है पबजी शो नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे आने के बाद जब आपका पबजी शो हो जाए तो आपको सिंपल सा उस पर क्लिक कर देना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए वीडियो बड्डी यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं जैसे ही वीडियो बड्डी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट हमको ऑप्शन मिलता है रिमूव, यहाँ पे डिसकनेक्ट करने का। तो इसी तरह से आपको जो पबजी का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा देखने के लिए, तो उससे आपको सिंपल से क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है सीधा डिसकनेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो उस पर क्लिक करके सिंपल से आप जो है अपने पबजी मोबाइल से अपने गूगल अकाउंट को अनलिंक कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आप वीडियो पसंद आए भाई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो और इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।